हेलो गाइस, इट्स अ मिनी ब्लॉग। दोस्तों आज मैं आपके साथ करवा चौथ की ब्लॉग शेयर करने वाली। तो ये था करवा चौथ के एक दिन पहले का दिन। मैं ऑफिस से निकलने के बाद फटाफट मार्केट चली गई, जाकर करवा चौथ में जो जो सामान मुझे ज़रूरत थी उन सारी चीज़ों को ले लिया। तो ये देखिए, मैंने करवा ले लिया, दिया ले लिया, मिट्टी का जो भी सामान मुझे ज़रूरत था वो ले लिया। इसके साथ ही मैंने ले लिया करवा चौथ के लिए वो थाली। ये थाली मैं बहुत दिन से सोच रही थी लेने के लिए, तो फाइनली मैंने ले लिया। साथ ही साथ पूजा की जो जो सामग्री मुझे ज़रूरत थी मैंने ले लिया। तो ये देखिए, मैंने अपना शॉपिंग कर लिया और ये लाइट्स भी मुझे वहाँ पे बहुत ही अच्छी लग रही थी, तो मैंने लाइट्स भी ले लिया। हालांकि करवा चौथ में मैंने इसे यूज़ नहीं किया, पर मैं इसे ज़रूर से दिवाली में यूज़ करूँगी। तो ये देखो दोस्तों, ये है करवा चौथ वाला दिन। एक तो मेरा ऑफिस था आज के दिन, तो इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई थी। तो जैसे थोड़ा सा सजाया जाता है, हम लोगों ने मिलके थोड़ा सजा लिया और हमने अच्छे से पूजा कर लिया। पूजा करने के बाद कथा भी सुन लिया और हम चांद का वेट करने लगे। तो चांद करीब 9:30 बजे निकल आया। तो इसी के साथ मैं भी चांद को अर्घ देने के लिए करवा लेकर चली गई। और दोस्तों, मेरे बैल्कनी से ही चांद बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रहा था, तो हमने यहाँ से ही पूजा कर लिया। तो ये मैंने पानी चढ़ा दिया। इसके साथ ही दोस्तों, मैंने घी की आरती भी दिखा दी और साथ साथ मैंने चंद्रमा को छलनी से भी देख लिया। तो ये देखो दोस्तों, मैं इस चांद की आरती उतार रही हूँ। साथ ही साथ दोस्तों, मैंने चांद को छलनी से भी देखा और इसके तुरंत बाद अपने हस्बैंड को भी। तो मैं उनको अभी यही बता रही थी कि चांद देखने के बाद हमें अपने हस्बैंड को उसी छलनी से इसीलिए देखा जाता है क्योंकि चंद्रमा को लंबे उम्र का वरदान मिला है। हर वुमेन यही चाहेगी कि उसके हस्बैंड भी चांद के जैसे लॉन्ग लाइफ जिए। और इसके बाद हमारा पूजा हो गया ख़त्म। प्यास बहुत ज़ोर की लगी थी, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किए हम लोगों ने फटाफट से सारे रिचुअल्स कंप्लीट कर लिए। इसके बाद ये देखो, मैंने पानी भी पी लिया और मीठा खिलाकर मेरा व्रत तोड़ा। और ये देखो, मैं उनका पाँव छू रही हूँ। तो ये हमारा करवा चौथ का पूजा यहाँ पे ख़त्म हो गया। इसके बाद हम लोग बाहर जाकर खाना खा लिए और खाना खाने के बाद हम लोग वापस घर आ गए। तो ये था दोस्तों मेरा करवा चौथ का मिनी ब्लॉग। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छा लगेगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिएगा।